हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए मैंने ब्लाउज की लंबाई ली है 14.5 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6 इंच, सीना 12 इंच एंड कमर के लिए 11 इंच लिया है। इसके बाद हम अस्तर को ओपन करेंगे और इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है। सबसे पहले हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली हुई है और अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके एक साइड से लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर की पट्टी को पलटेंगे और एक सिलाई फिर से लगा देंगे। सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम अस्तरन ब्लाउज के कपड़े को पलटेंगे और इस अस्तर की पट्टी को अस्तर की तरफ रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पट्टी लगाने पर हमें इसमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम अस्तर को अंदर की तरफ पलट के एक सिलाई फिर से लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच, लंबाई के लिए 10.5 इंच लिया है। एक बॉक्स बनाकर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है गले को और अब कर लेंगे हम गले की कटिंग। इसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे इसमें। पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डोरी का यूज किया है पाइपिंग बनाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से पट्टी के अंदर हम इस डोरी को फंसाते हुए एक सिलाई लगाते जाएंगे, तो हमारी बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बन के रेडी होगी कुछ इस तरीके से। पाइपिंग बनाने के बाद हम इसमें पीछे की साइड ये जो प्लेट्स पड़ते हैं उसके लिए मार्किंग कर लेंगे और इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने यहाँ पर ये कुछ गोल्डन कलर का कपड़ा लिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और अब हम इसे इस तरीके से पलटते हुए ट्रायंगल का शेप देंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें सारे फैब्रिक में से ट्रायंगल बनाकर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रायंगल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम एक के ऊपर एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें अच्छे से ट्रायंगल को सेट कर लेना है, उसके बाद हमें सिलाई लगाना है।
अब हम प्लाज को ओपन करेंगे और इसके बीचों बीच कुछ इस तरीके से हमें इन सभी ट्रायंगल्स को रखना है। सबसे ऊपर वाले ट्रायंगल्स की हमारी थोड़ी सी नोक गले के ऊपर निकली रहेगी। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल से ज़्यादा था तो मैं उसे निकाल रही हूँ। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसमें चाक से निशान लगाएंगे गले के किनारे किनारे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसमें निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये जो हमारे ट्रायंगल्स का बाहर का फैब्रिक है हम इसे कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेस ली हुई है और इस लेस को जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर लगाएंगे हम। ट्रायंगल के पास हमें लेस लगाते टाइम ट्रायंगल्स को अच्छे से लेस से दबा देना है। तो यहाँ मैंने एक तरफ कुछ इस तरीके से लेस को लगा दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गले के दोनों तरफ लेस को लगा दिया है। इसके बाद हम नीचे की तरफ भी इस लेस को लगा देंगे। लेस लगाने के बाद हमें ट्रायंगल्स के बीच की सिलाई को निकाल देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये तीन बड़े साइज के मोती लिए हुए हैं और अब इन मोती को हम एक ट्रायंगल्स को नीचे की तरफ पलटेंगे इस तरीके से और इसमें अटैच कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल्स को नीचे की तरफ पलटेंगे और इसमें भी हम मोती को अटैच कर देंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल्स में भी हमें मोती को अटैच कर देना है। सबसे ऊपर वाले ट्रायंगल्स में मैं यहाँ पे फैब्रिक बटन लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से ब्लाउज डिज़ाइन बन के रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।